सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। एमसीडी चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन को लेकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां एक के बाद एक वीडियो सत्येंद्र जैन के सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी केजरीवाल और उनकी सरकार पर आरोप लगा रही है। देखिए हमारी स्पेशल खास रिपोर्ट में। एमसीडी चुनाव से पहले आपकी बढ़ी मुश्किलें, आप बीजेपी में सियासी लड़ाई आर पार। सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल, जेल में मंत्री को मिल रहा वीवीआईपी ट्रीटमेंट। तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के मंत्री, फिर हमलावर हुई बीजेपी। सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी लगातार आपकी केजरीवाल सरकार को घेर रही है और दोनों पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया और एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई। दरअसल जो ताजा वीडियो सामने आया है उसे राजनीति और तेज हो गई है। मसाज वाले वीडियो के बाद अब सत्येंद्र जैन का होटल जैसा खाना खाते हुए एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तिहाड़ जेल के सूत्रों से प्राप्त लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल में उचित भोजन मिलता दिख रहा है। वह वीडियो में भरपूर खाना खाते दिख रहे हैं, जबकि उनके वकील ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन को जेल में उचित भोजन नहीं मिल रहा है। खबरों के मुताबिक सत्येंद्र जैन के लेटेस्ट वीडियो में वो उचित भोजन लेते दिख रहे हैं। जिस तरह से भोजन की पैकेजिंग की गई है उसे देखकर लग रहा है ये किसी होटल या बाहर का खाना है। और इस वीडियो में अलग अलग ड्रेस में वो दिख रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें हर दिन ऐसा ही खाना मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि जेल में सत्येंद्र जैन का वजन 8 किलो बढ़ गया है, जबकि उनके वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन का वजन 28 किलो घट गया है। सत्येंद्र जैन का ये वीडियो ऐसे वक्त में आया है जब उनके भोजन का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट में सत्येंद्र जैन ने दावा किया था कि उन्हें तिहाड़ जेल में उचित खाना नहीं मिल पा रहा है और ना ही उनका उचित मेडिकल चेकअप किया जाता है। जैन के वकील राहुल मेहरा ने आरोप लगाया कि ईडी कोर्ट के आदेश के बावजूद संवेदनशील सूचना को मीडिया में लीक कर रही है। बता दें कि इससे पहले सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो रेप केस कैदी से मसाज कराते दिखे थे और वीडियो में जैन के आगंतुकों से मिलते हुए देखा गया, जिस पर काफी विवाद हुआ था। हालांकि मसाज वाले वीडियो का मनीष सिसोदिया ने बचाव किया था और कहा था कि जैन गिर गए थे और डॉक्टर ने उन्हें फिजियोथेरेपी की सलाह दी थी, मगर तिहाड़ जेल प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि जैन को मसाज और मालिश करने वाला शख्स बच्ची से रेप का आरोपी है। इस वीडियो के जारी होने के बाद भाजपा एक बार फिर दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। वीडियो पोस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता शहजाद जयहिंद ने कहा कि मीडिया से एक और वीडियो मिला, दुष्कर्मी से मालिश कराने और फिजियोथेरेपिस्ट बुलाने के बाद सत्येंद्र जैन को लजीज भोजन का आनंद लेते देखा गया। उन्हें कर्मी खाना परोस रहा है जैसे वो किसी रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने सुनिश्चित किया है कि हवालाबाज को वीआईपी मजा मिले, सजा नहीं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी इस स्पेशल खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।